राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल सी। छत्तीसगढ़ जसपुर की खबर, जितेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। विधायक विनय भगत की कलाई, बहनों का प्यार राखी से भरा। बहनों ने कहा अब और सुरक्षित है अपना भाई, हमारी इसने प्यारा आशीर्वाद से उनका हाथ और हुआ मजबूत। जसपुर नगर आज भाई बहनों का टूट प्रेम विश्वास संपन्न एवं रक्षा का प्रतीक पवित्र त्योहार रक्षाबंधन पर लोग मीलों दूर जाकर भाई के हाथ में सुरक्षा कवच राखी बांधकर भाई के उज्जवल भविष्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। वहीं जसपुर के युवा विधायक विनय भगत के अब क्षेत्र में इतनी बहन हो गई हैं कि अब विधायक श्री भगत पर भी सुरक्षा कवच बहनों ने राखी के रूप में पहना दिया है। विधायक विनय भगत ने कहा पूरे क्षेत्र से और दूर दूर से कई बहनों ने राखी भिजवाई, कईयों ने घर आकर प्यार दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि मेरी जनता, मेरी बहनें मुझे अपना समझकर हाथ में थाली चंदन राखी मिठाई देकर मेरे को राखी बांधने आई। सच कहूँ तो ये मेरे लिए बड़ा ही भावुकता क्षण है। मैं मेरी सभी बहनों को कभी निराश नहीं करूँगा, मैं उन्हें ये वचन देता हूँ। विधायक विनय भगत अपने शालीनता और संवेदनशीलता कार्यों के लिए जाने जाते हैं, लोग उनसे आत्मीयता से जुड़ते हैं। ये आज ही नहीं, पहले भी विधायक विनय भगत को राखी बांधते हैं। क्षेत्र की बेटियों द्वारा खुद विधायक विनय भगत बड़े बड़े सभा हो या छोटी सभा, सभी जगह कहते हैं कि मुझे विधायक कहकर न पुकारें, मुझे अपना बेटा समझें, मुझे आप अपना भाई चाचा जैसे शब्दों से संबोधित करें, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और यही सबके चलते आज विधायक को हजारों लोगों ने आशीर्वाद देकर लंबी उम्र की कामना करते हुए उनका हाथ और मजबूत कर दिया है।